हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो मैं ये है ना सेम डे का व्लॉग शेयर कर रही हूँ, 28 संडे का। तो हम लोग मंदिर से दर्शन करके आए ना, तो मुझे फिर से कुछ खाने को मन किया, तो फ्रिज में थी ब्रोकली जो कि हम लेके आए थे अभी 2-3 दिन पहले। मैंने आपको रेमन बाउल शेयर किया था तभी लेकर आए थे। तो ब्रोकली, फ्राइड ब्रोकली खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। और अभी कितने बजे पता है? रात के 11:15 बज रहे, और 11:15 बजे यहाँ बिस्तर भी लग चुका है सोने का, बट फिर भी मैं बना रही थी। तो देखिए, और जैसे ही गैस चालू करके मैं बेडरूम में गई कुछ काम के लिए, और यहाँ आकर देखती हूँ तो गैस ख़त्म हो गया था। तो फिर मयूर रात को इतनी 11:30 के करीब गैस फिक्स कर रहे हैं, मतलब जो बाटला होता है वो, और यहाँ मैं इंतज़ार कर रही हूँ। तो जैसे गैस लगा वैसे मैंने कर ली फिर से ब्रोकली को स्टीम, क्योंकि ये 50% तो हो गई थी स्टीम और 50% बाकी थी, तो यहाँ अच्छे से हो गई है। उसके बाद मैंने उसे स्ट्रेनर में पूरा पानी छान लिया, और बटर में यहाँ पर मैं डाल दिए है ब्रोकली, इसके साथ डाल रही हूँ वो काली मिर्च, कूट कर हमने रखी थी वो, तीखी मिर्च नहीं डाल रही हूँ। काली मिर्च डालने के बाद इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आता है, और थोड़ा सा नमक, क्योंकि स्टीम करते वक्त मैंने इसमें नमक बिल्कुल भी नहीं डाला था, तो अपने स्वाद अनुसार डालेंगे, क्योंकि अब इसमें मैं चीज़ भी डालने वाली हूँ, तो नमक उस अनुसार ही हम डालेंगे। तो अब इसे अच्छे से मैं कर लेती हूँ बटर को सॉटे, बटर में सॉटे कर लेती हूँ हमारे ब्रोकली को। तो देखिए, ये जब सॉटे करते हैं ना तो थोड़ा सा पानी छूटता ही है, क्योंकि ये टेनर में हम जितना भी ड्रेन कर लेंगे तो भी पानी तो रह ही जाता है, तो वही बस उसे थोड़ा अच्छे से ड्राई कर लेंगे। और उसके बाद है ना खाएंगे। तो देखिए, इसे अच्छे से मैंने सॉटे कर लिया है, और गैस हमारा है लो फ्लेम पे। तो ये जो चीज़ है ना, ये मोज़रेला चीज़ है जो हम लोग पिज़्ज़ा में यूज़ करते हैं। तो देखिए, उसे मैंने भी कद्दूकस करके डाल दिया है साथ में, और यहाँ पर है ना मैंने गैस स्लो ही रखा था, तो अब मैं इसे कर दूंगी बंद। हमारा गैस भी बंद हो गया, और यहाँ देखिए मैंने निकाल लिया है, अब इसे टेस्ट करती हूँ। तो ये इतना दिखने में टैम्पटिंग लग रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, आप सभी ट्राई करिए। और सीरियसली, मतलब ये कुछ नया खाने को मन किया और मैंने बना के ट्राई किया, और सीरियसली ये टेस्टी भी बना। और जानवी भी देखो पहले इंतज़ार कर रही थी, बट उसको भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो आप भी ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।